हेलो भाजी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई, नए दिन की नई शुरुआत, राम राम सभी को, है ना। तो भाई, आज है 22 जनवरी और आज आप सभी लोगों को पता है कि आज प्राण प्रतिष्ठा है ना अयोध्या में। तो हाँ, आज अपन भी पूजा वूजा करेंगे घर पे। मेन चीज़ ये है कि अपन ने भी राम दरबार मंगाया, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी और क्या बोलते हैं सीता जी और हनुमान जी का हमने कुछ प्रतिमा मंगाई है, उसकी पूजा करेंगे अपन भी, है ना। अपना तरफ से अपन जो कर सकते हैं वो करते हैं, नहीं सभी को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो घर से घर निकलते हैं यहाँ से। अभी तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं घर। घर जाने के बाद अपन जाएंगे जिम, फिर आके नहा धो के फिर पूजा वूजा करते हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई, अभी मैं तैयार हो गया हूँ जिम जाने के लिए ना। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधा जिम, और फिर वहाँ से आके अपन क्या करेंगे, हल्की हल्की धूप आ गई, बढ़िया माहौल हो रखा है ना। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही बताऊँ तो बात ये। अभी जा रहा हूँ फिर भी जिम। जिम से आके नहाएंगे धोएंगे, नहा धो के फिर पूजा वूजा करते हैं आज के ना। रामलला को अपने घर पर लेके आए, मैंने मंगवाए थे अमेजोन से वैसे, है ना। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रखी हो तो रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आते हैं नहाते धोते हैं फिर पूजा वूजा करते हैं, फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है आज, है ना। हाँ, तो भाई आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे, मैं भूल गया यहाँ पे ना, यहाँ पे भाई ईशा आई हुई है। अब काफ़ी सारे सब लोग सोचेंगे ईशा क्या है ना, तो ईशा किसका नाम है। ईशा का नाम है भैया, ईशा ने तबाही मचाई हुई है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ। रात भर परेशान रहते हैं ईशा के चक्कर में, काफ़ी अंदर रह गई मेरी। एक सेकंड को बताता हूँ ईशा को, ना दिख रही है मेरी चेयर है टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है नीचे, ज़मीन में नीचे गिरी हुई है। दूसरी चीज़, एक चेयर मैं अभी सुबह उठा था ना, तो बगल वाले के घर में थी, वहाँ से उठा के लेके आया हूँ। कौन सी वाली चेयर, इस साइड वाली, ये दिख रहा है, ये यहाँ से मेरा फेंस टूटा हुआ है, ये वाला कहाँ गया, उस साइड का फेंस टूट गया, ये वाला फेंस टूटा हुआ है। यहाँ से फिर वो जो चेयर थी वो दूसरे वाले के घर में चली गई, वहाँ से उठा के लेके आया हूँ भाई। हाँ, रात भर परेशान रहते हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है भाई। ईशा है यहाँ के, तूफान का नाम, तूफान आया हुआ फिलहाल यहाँ पर, चक्रवात साइक्लोन है ना, उसका नाम इन लोगों ने ईशा रखा हुआ है। उसके चक्कर में भाई सारे बवाल चल रहे हैं, इतनी तेज़ आवाज़ चलती है रात भर, काफ़ी तेज़ आवाज़ आते हैं घर के अंदर, है ना। तो चलो ये चेहरे वेरे उठाते हैं और फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। देख रहे हैं माहौल, तो ये चेयर देखो यहाँ से उड़ के यहाँ पे आगे गिरी हुई है। एक तो ये भाई जो मेरा फैंस है ना, उठी दूसरे बंदे घर में गिरा हुआ है, इसलिए अपन जा नहीं रहे वहाँ उठाने के लिए, बंदा आएगा उसके बाद ही उठाऊँगा। दूसरा भाई अपना डस्टबिन का डे था आज, ये खाली कर दिया है ना, तो ये अपन अंदर रख के आते हैं। चलो अलग डस्टबिन से, इनका सबका अलग अलग दिन रहता है तो उसके हिसाब से आपको दांत बाहर रखना पड़ता है, वो लोग आके खाली करके चले जाते हैं। अपनी अपनी पसंद थी भाई, दिख रहा है दिखने में मौसम आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी तो फिर भी थोड़ा शांति है, रात भर तेज़ हवाएं चलती है, घर के अंदर तक आवाज़ें आती थी, तेज़ हवा चलती है। तो भाई अपना जो जिम का सेशन है लगभग ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेशन रहा, अभी ख़त्म हो लिया। अपन निकल रहे हैं यहाँ से घर, है ना, और घर निकलते हैं। चलो मैंने कुछ सामान भी लिया खाने पीने के लिए ना, तो भी अपन ले चुके हैं मैं सब, बट अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर, है ना। और थोड़ी गाड़ी वाड़ी की सफाई करनी है, काफ़ी सारे काम है करने के लिए। तो चलो मैं घर चला गया था यहाँ से ना, भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई थी, बट अभी मैं दोबारा आया हूँ। पोस्ट ऑफिस दिख रहा हूँ आपको, पोस्ट ऑफिस आया हूँ, ये देना है मेरे को, है ना, एड्रेस चेंज करवाने के लिए वापस आना पड़ा मेरे को यार। भाई भाई, आज हम लोग ये जो अपना मंदिर है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको काफ़ी अच्छा बनाएंगे अपन, तो धीरे धीरे करके ये काम होगा। मेरी सांसें अभी भी ऐसी हो रही है क्योंकि ना अभी सर्दी से मैं निकला नहीं हूँ। दूसरा, इस साइड अगर आप देखते हो तो ये बेड मैंने मंगाया, डबल बेड, वो उस वाले रूम में जाएगा। दिख रहा है पूरा मैसा वो रखा है वहाँ पे भी, और उधर मेरा मंदिर मैंने रखा हुआ है। एक सेकंड भाई, मत घुमाना कैमरा मैंने, एक सेकंड अब घुमाओ। और भाई इस साइड ही दिख रहा है मेरे को, ये पूरा मंदिर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मेरे स्टडी टेबल के ऊपर, क्योंकि अभी अपन वो बना रहे हैं। यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, देखो यहाँ पे अपन मंदिर बना रहे हैं, इसका पूरा पेंट वगैरह भी चेंज करना है मेरे को, वॉलपेपर वगैरह भी लगाने, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करनी है क्योंकि भाई अभी हरा हो रखा है ना, तो इसको अपन केसरिया रंग में रंगेंगे, अभी नहीं भगवे रंग में। तो हाँ, राम जी की पूजा भी करनी है, बट अभी थोड़ा वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, पर धीरे 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 करके कलर भी चेंज करेंगे, सारी चीज़ें चेंज करेंगे। आज राम जी आए हैं तो राम जी को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, पहले थोड़ा मंदिर सही करते हैं। चलो भाई, अभी मैंने पूरा यहाँ पे खाली कर दिया और अभी इसमें अपन लोग बाकी जो सामान है वो लगाते हैं यहाँ पे नीचे, बनाते हैं इसको, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है अभी नेक्स्ट। चलो जो मंदिर था अपना ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में मैं सुबह से लगा हूँ,
बेड बनाया है वो मैंने उस रूम में डबल बेड कर दिया, इस रूम में भी वो डबल बेड हो गया, पहले उसमें सिंगल बेड था वो मैंने पूरा डिसेंबल करके ऊपर डाल दिया लॉफ्ट के अंदर। आप लोगों को लॉफ्ट मैंने कभी दिखाई नहीं पर आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा लॉफ्ट में। दूसरा भाई मंदिर मैंने बना दिया है, लगभग लगभग तैयार हो चुका है अपना, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या कहते हैं मैंने पूरा ये देखो पूरा कलर भी चेंज कर दिया है इसका, और क्या बोलते हैं मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, मतलब नीचे वाले में भगवान जी, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में वैसे भगवान जी लगा देंगे अपन। ये पूरा वार्डरोब था, इसको पूरा चेंज करके, मतलब इसके अंदर अलमारी में कपड़े कपड़े रखने के लिए था, उसको पूरा चेंज करके मैंने भगवान का मंदिर बनाया है अभी। तो लगभग आप लोग देखो कैसा लग रहा है, बाकी अभी इसके अंदर और भी सारे चेंजेस आने बाकी हैं, वो मैंने अभी करे नहीं है, वो मैं अभी करूँगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, क्या मतलब इसी वीडियो में दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। कल अपन सारा काम कर देंगे लगभग इसका, अभी 9:30 बज रहे हैं और सुबह 9 बजे का लगाऊंगा मैं, देख लो। तो ये देखो ये ऐसा कुछ है अभी मंदिर फिलहाल, ये देखो नीचे ऐसी हालत हो रखी है, इधर भी देखो मैं भी कैसा हो रखा हूँ, ये देखो दिख रहा है पूरा घर ऐसे पूरा मैसअप हो रखा है और कुछ भी काम नहीं हुआ है आज मेरा। बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, तो ये पूरा मंदिर अपन ने बना दिया है, छत इस कलर की करी है मैंने और बाकी ये सब दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ इस टाइप का है तो देख सकते हो। किसी को कुछ करवाना हो, मंदिर वंदिर बनवाना हो यूके में तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं करके चला जाऊँगा ये काम। तो भाई अपना जो मंदिर था वो एकदम बन के ऊपर तैयार हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा अपन ने मंदिर बना दिया। दूसरी चीज़ अपनी है कि अपन ने राम जी मंगवाए थे, अमेजोन से मंगवाए थे यहाँ पे, मतलब अमेजोन से मैंने मंगवाए क्योंकि अपने बाकी बाहर मार्केट में कहीं पर मिले नहीं थे, तो अमेजोन से मैंने मंगाए हैं, तो उनको नहलाते धुलाते और फिर बाद में अपन उनको कहाँ पे अपने मंदिर में बैठाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने कैसे मंगाए। तो ये आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, तो राम जी हैं साथ में हनुमान जी भी हैं, अगर आप लोगों को दिख रहे हो सीता माता है और लक्ष्मण जी भी हैं यहाँ पे, है ना। तो हाँ ये है और बाकी अपनी पूजा की थाली यहाँ पे, यहाँ पे और क्या बोलते हैं इनको नहलाते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर ना बाकी सारा। आप लोगों को शायद नीचे का दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ बस, आप लोगों को शायद अब दिख जाएगा, नहीं हाँ तो ये भी मैं नहीं दिखूँ चलेगा, राम जी दिखने चाहिए नहीं। तो चलो अपन यहाँ पे पहले तो अपन गर्म पानी लेते हैं, और भाई मैं नया पैकेट लेके आया हूँ दूध का, है ना, तो दूध से नहलाया जाएगा नहीं। अपन ऐसे कोई मतलब प्रॉपर ऐसे पंडित वंडित तो अपन है नहीं भाई, जो क्या बोलते हैं इसको एकदम सारी विधि जानते हो, बट हाँ जो अपने से हो सकता है वो तो अपन करते हैं नहीं। जब पूरा अपनी पूरी इंडिया इस चीज़ को मना रही है तो क्यों ना हम भी मनाएं, यहाँ पे बाहर बैठे तो क्या हुआ नहीं, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है बीइंग हिंदू। तो हाँ जी, तो ये अपने राम जी हैं यहाँ पे, चलो बढ़िया है, अपने देश में भी आए हैं तो मेरे घर में भी आ गए राम जी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ऊपर जाके क्या बोलते हैं मंदिर भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है पूरा, जैसे भी मैंने किया है मतलब अपना बेस्ट 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 करने की कोशिश मैंने करी है, वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी कैसे क्या किया है। और होपफुली भाई आप लोगों ने भी इंडिया में इस चीज़ को काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया होगा, तो एक तरीके से फेस्टिवल ही था हमारे लिए तो ये नहीं जी। राम जी को नहला दिया है अपन ने और अभी यहाँ से अपन चलते हैं कहाँ, ऊपर अपने मंदिर में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी दिया बत्ती करते हैं ऊपर चल के। तो भाई चलो ऊपर चलते हैं, मैं आप लोगों को बाकी दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे। हाँ तो भाई आप लोगों को दिख रहा होगा ये अपने राम जी हैं यहाँ पे, और भाई ये अपना रुपया जिसकी हम पूजा करते हैं यहाँ पे, नहीं चाहे पाउंड कमा लो कुछ भी कमा लो रुपये तो रुपये रहेंगे। तो हाँ ये देखो अपने राम जी राम दरबार, चलो ऊपर चलते हैं अभी। तो भाई देखो ये मैंने पूरा मंदिर का अपना सेटअप किया है, मैंने कल रात भर जाग के पूरा कंप्लीट किया है मंदिर को, है ना। तो फिलहाल जो ये लाइट वाला वायर है इसको अपन हटा देंगे, सही तरीके सेट करेंगे, बट आज मेरे को पूजा करनी थी इसलिए अपन ने जल्दबाजी में ये लाइट अभी लगा के रखी है, बट इसको अपन सही कर देंगे फिलहाल। तो देखो ये यहाँ पे ये पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहे हैं तो हाँ ये ऊपर से स्टार्ट है यहाँ से, तो ऊपर जैसे कि साईं बाबा और गणेश जी बैठे हैं, फिर लक्ष्मी माता और श्री कृष्ण और राधा जी बैठे हैं, फिर साईं बाबा और क्या बोलते हैं अपने जय हनुमान, बाकी ये सीधा अगर आप सीधा देखते हैं तो वहाँ पे देखो राम दरबार है अपने, है ना। तो ये मंदिर मैंने बनाया है खुद से, बनाया अपने हाथों से, आपने पहले देखा होगा कैसे कलर का था ये और कैसा था ये, और बाकी मैंने पूरे एक नाइट में इसको कंप्लीट कर लिया बना के। तो आप लोग बताओ मुझे आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ डेफिनेटली मुझे बताना, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में ना। ये देखो ये छत भी मैंने इसी कलर की करी है जिस कलर का ये नीचे किया हुआ है ना। चलो ठीक है, ये पूजा वूजा करते हैं। हाँ तो भाई जो अपनी पूजा है वो खत्म हो चुकी है, और आज हलवा बनाया था रामचंद्र जी के लिए, वो भी अपन ने दे दिया भगवान को, भोग दे दिया है और पानी भी दे दिया है,
और पूजा वूजा कर दिया अपन ने, दिया वगैरह जला दिया, कुछ दिए बाहर भी रख दिए अपन लोगों ने। तो चलो होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस दिन को, और भाई मैंने तो काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय किया क्योंकि मैंने बनाया है, सारी चीज़ें करी है, सारी चीज़ें मेरे सामने हुई है ना, मैंने किया सारी चीज़ें, तो मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए वैसे भी लोगों को राम राम, जय श्री राम। और भाई मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको मेरा मंदिर जो मैंने बनाया है।